सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। दोस्तों, मैं फौजी सोहन चौधरी एक्सरसाइज फिजिकल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो खास करके मैं उन मेरे भाइयों के लिए बना रहा हूं या उनको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने क्या राजस्थान पुलिस के अंदर सीटी का पेपर पास कर रखा है और अभी क्या है 15 दिन बाद दोस्तों उनका क्या फिजिकल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं खुद एक फौजी आदमी हूँ, अपनी अकेडमी चलाता हूँ। दोस्तों, अकेडमी के अंदर हमारे पास में कम से कम 20 स्टूडेंट है राजस्थान पुलिस फिजिकल के। लेकिन मैं मेन इंपॉर्टेंट या मेरा मेन पॉइंट क्या है वो मेरी बात सुनो आप। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आ रही है चेस्ट की। 50% स्टूडेंटों का चेस्ट दोस्तों 81 सेंटीमीटर बहुत होता है। 81 सेंटीमीटर सीना मांग रखा है, जबकि कई लड़के बोलते हैं यहां से मापेंगे, कई बोलते इधर से मापेंगे, कई बोल रहे यहां से मांगेंगे निप्पल के साथ में से। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर बताऊं, आपका चेस्ट इसके नीचे से यहाँ इधर से इस साइड से नापा जाएगा। अभी भी दोस्तों मेरे ग्राउंड की हकीकत में आपको बता रहा हूँ, 50% मेरे छोटे भाइयों का सीना क्या है, कम है। नंबर उनके फुल है सीटी के अंदर, लेकिन दोस्तों किसी का 2 सेंटीमीटर कम है, किसी का 3 सेंटीमीटर कम है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, हमारी अकेडमी के अंदर 50% स्टूडेंटों का सीना कम है। तो दोस्तों, जब आपने इतनी बढ़िया मेहनत करके आप सीटी के अंदर पास हो सकते हो, तो दोस्तों अभी पहला आपका क्या आ रहा है, फिजिकल आ रहा है। पेपर तो होगा बाद में, अभी आपके पास हम दिन बता रहे हैं ओनली फॉर 14 और 15 दिन। तो 15 दिन दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका अगर चेस्ट कम है, एक बार फिर आप नाप के चेक करो। हाँ, जिन भाइयों ने मेहनत कर रखी है या जिनका शरीर ठीक है उनका तो हो जाएगा, लेकिन जो मेरे भाई छोटे यानी कि थोड़े से सीना जिनका कम है, आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है। अभी से दोस्तों आप दिन के अंदर सुबह भी वर्कआउट करो चेस्ट वर्कआउट, और शाम को भी आप बराबर और दबा के चेस्ट वर्कआउट करो। दोस्तों आपको फिर मैं बताऊं, चाहे आप जिम में जाओ, चाहे आप ग्राउंड में जाओ, चाहे आप खेत में करो, चाहे घर पे करो प्रैक्टिस, आपको ओनली फॉर चेस्ट की ही वर्कआउट करना है। क्योंकि दोस्तों इसको कोई नहीं पूछेगा, इसको कोई नहीं पूछेगा, थाई को कोई नहीं पूछेगा, आपका वहां पर मांगेंगे ओनली फॉर छीना, वो भी 81 से 86। तो समय नहीं गमाते हुए बाकी वर्कआउट को छोड़ो, आप ओनली फॉर चेस्ट के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि दोस्तों सीना मांग रखा 81 से 86 सेंटीमीटर, जबकि आर्मी के अंदर मांगते हैं 77 से 82। तो दोस्तों आपको टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है, ओनली फॉर चेस्ट वर्कआउट। दबा के जितना कर रहे हो उसका अभी से आप 1.5 गुना कर सकते हो, और दबा के आपको रेस्ट भी करना है और दबा के फेट की चीजें भी आपको लेनी है। दोस्तों ये वीडियो दूसरे मेरे भाइयों तक भी जरूर पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों देखो इतने दिनों अगर आपने मेहनत करी है और लास्ट में अगर आपको सीना में निकाल देंगे, तो इससे बड़ा धोखा या इससे बड़ा पछतावा आपको नहीं होगा, इतना बड़ा पछतावा आपको हो जाएगा। तो दोस्तों समय लेते हुए बढ़िया दबा के अपना चेस्ट वर्कआउट करो, और बढ़िया फैट की चीजें खाओ, और रेस्ट भी करना है। सुबह भी आप वर्कआउट करो, शाम को भी दबा के वर्कआउट करके, दबा के फैट की चीजें खा के, और दबा के बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, और ये करो, तभी आपका ये जो 50% की बीमारी है ये भाग जाएगी और आप आसानी से फिजिकल में पास हो जाएंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।